नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। एमपी के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा के मुख्य चौराहे पर एक अति प्राचीन भगवान गणेश का मंदिर है। इस मंदिर की प्रमुख खासियत ये है कि भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वह गोबर से बनी हुई है। जी हाँ, सही सुना आपने, गोबर से। इसलिए प्रतिमा को गोबर गणेश के नाम से जाना जाता है। पुराने समय से ही यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस अति प्राचीन मंदिर में भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि भी विराजित है। गोबर के यह श्री गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं इस चौराहे को गणेश दरवाजे का नाम भी दिया गया है। गणेश उत्सव पर्व के दौरान गणेश दरवाजा स्थित इस गणेश मंदिर में रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश की विशेष पूजन अर्चना की जाती है। बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। बताया जाता है कि भगवान गणेश की है प्रतिमा 500 साल से अधिक पुराने गोबर से बनी है। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान गणेश के मनोहारी श्रृंगार के दर्शन का लाभ लेने नगर सहित आसपास के कई स्थानों से बड़ी संख्या में भक्तजन यहां पहुंचते हैं। बता दें कि नलखेड़ा नगर की स्थापना राजा नल के द्वारा की गई थी। राजा नल के नाम से पहले इस नगर को नल नगर कहा जाता था। बाद में समय के साथ नगर का नाम नलखेड़ा हो गया। जिस जगह पर श्री गणेश की स्थापना है वहां पहले नगर का मुख्य द्वार हुआ करता था। इसी द्वार से नगर में प्रवेश किया जाता था। नगर के चारों ओर एक बड़ी दीवार थी जिसे नगर कोट कहा जाता था। प्राचीन समय में नगर के मुख्य द्वार पर 10 फीट ऊंची गोबर से बनी प्रतिमा की स्थापना यहाँ की गई थी, जो पुराने समय से ही भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। इस प्रतिमा की स्थापना किसके कारण, किसके द्वारा की गई, इस बात का इतिहास कहीं से नहीं पता चला, लेकिन पुरातत्व के जानकारों के अनुसार 500 से अधिक साल पहले इसकी स्थापना के प्रमाण जरूर मिलते हैं। नलखेड़ा में पीताम्बरा माता का सिद्ध पीठ स्थल माँ बगलामुखी मंदिर भी है, जो अति प्राचीन मंदिर है। इसकी स्थापना भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों के द्वारा युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसलिए देश के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशों से भी यहाँ भक्त पहुँचते हैं। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ विराजित हैं। प्रतिमा के पास मूसक वाहन भी विराजित है। कहा जाता है कि भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर मंगल मूर्ति गोबर गणेश के यहाँ पहुँचते हैं। भगवान गणेश यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो एक बार भगवान गोबर गणेश के यहाँ जरूर जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।